हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक आरपी लाइव ब्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ। और आज है रक्षाबंधन, तो मेरी तरफ से आप सभी भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के लिए बहुत ही खास होता है, बट इस बार मेरे साथ मेरा भाई नहीं है, यहाँ वो नहीं आया है, तो बहुत मिस कर रही हूँ उसे और क्या बोलूँ। बट आप लोग जो भाई बहन सब साथ में हैं, अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए। और क्या बोलूँ, मेरे लिए तो आज का दिन कुछ खास है नहीं। बेटा के लिए उसकी बहन की तरफ से राखी मैंने बांध दिया है, और क्या कर सकते हैं, ये दिन भाई के लिए ही खास होता है। और भाई नहीं है तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उसे, तो मैंने सोचा आप लोगों को तो कम से कम विश कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। और ऐसा कुछ खास नहीं है क्योंकि भाई नहीं है साथ में, तो देखते हैं और आज का दिन कैसे बीतता है और आगे क्या क्या होता है, तो बने रहिए। हाँ, पिछले ब्लॉग में आप लोगों को जो मैंने इयररिंग्स दिखाया था उसमें से मैंने देखी ये एक इयररिंग्स पहना है, बदलिया कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है, और मुझे इस तरफ के छोटे छोटे टॉप्स घर में पहनना रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने लिया था और मैंने पहन भी लिया है। तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है, और बस और कुछ नहीं, यही दिखाना था आपको। और आगे देखते हैं आज का पूरा दिन कैसे निकलता है, तो बने रहिए। बेटा को दिखाना भूल ही गई, एक्चुअली आप कन्फ्यूज़ मत रहिएगा, मैंने थोड़ा ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मुझे अभी नाश्ता भी बनाना है, तो इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। एक सेकंड में आपको बेटे को मिलाती हूँ। और आज क्या है, हाँ, और राखी बंधा गया ना आपका, दिखाओ जरा। अरे वाह, चलो अच्छा लग रहा है ना, चलो ठीक है, बाय कर दो सबको। बाय। आप लोगों ने मेरे बेटे से कितना अच्छा लग रहा है ना, उसके हाथ में मैंने रक्षाबंधन बांध दिया है अफकोर्स उसकी सिस्टर की तरफ से, बट मैं तो नहीं बांध सकती, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं अफसोस के अलावा। खैर देखते हैं कैसे बीतता है आज का दिन। हाँ जी, तो चलिए नाश्ता तो बन चुका है, बट आज जैसा कि रक्षाबंधन है तो कुछ मीठा तो बनना बनता है ना, तो आज मैं मीठे में थोड़ा अलग बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मीठे में जर्दा। जी हाँ, जो लोग बिरयानी खाते होंगे उन्हें पता होगा कि जर्दा क्या होता है। जर्दा एक स्वीट डिश होता है जो राइस से ही बनता है, और ख़ास करके बिरयानी के साथ ये बनाया जाता है। बिरयानी एक्चुअली स्पाइसी मसालेदार होता है, तो स्वीट डिश में जर्दा बनाया जाता है। तो आज राखी के दिन जर्दा बनाते हैं और जो है उसका मुँह मीठा करते हैं, और क्या। और इसकी रेसिपी में आपको शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मीठे में हम लोग जर्दा बनाते हैं। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जी है, मैं नेक्स्ट डे नहीं, उसके नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। जी है, आज है 14th of August, और अभी आफ्टरनून से मैंने शूट करना स्टार्ट किया है। जैसे कि आपको पता है कि रक्षाबंधन के दिन कुछ नहीं था करने के लिए, मैंने बस मीठे में जर्दा बनाया, हम लोगों ने अपना खाना इंजॉय किया, और रोज़ की तरह अपना मतलब डे जो भी हो, थोड़ा मायूसी था, थोड़ा खैर जो भी हो मतलब ऐसे कुछ गुजरा। उसके बाद मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया, कल 13 तारीख था, मैं पूरा दिन खा गई हूँ, और उसके बाद वाले डे मैं आपसे मिलने आई हूँ। और अभी दोपहर हो चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू का कोफ्ता, मतलब कद्दू के जो क्या मैं बोल रही हूँ, कद्दू कोफ्ता कड़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी रेसिपी आप लोगों को भी दिखाई जाए, और मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ वो शूट करती हूँ, क्योंकि हर डिश का हर तरीके से हर लोग बनाते हैं, सबका अपना एक तरीका होता है, और जो आज मैं बनाऊँगी वो मेरा तरीका है। तो प्लीज़ अगर ख़राब बने या फिर आपको लगे कि ऐसा कुछ नहीं है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्या ही जाता है, घर में बना के खाना है, किसी स्पेशल के लिए तो बनाना नहीं है। तो बस, तो मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी शूट करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी, तो उससे पहले थोड़ा मिल लिया जाए, आप लोगों से हालचाल ले लिया जाए। तो बस अभी चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है, क्या होता है। ये देखिए, डंडा गाना गाना
और इनको देखिए, ये तिरंगा लेके भी घूम रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो घर पे तो लगा ही है तिरंगा। जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में ही देखा कि मैंने ले लिया है, बट बेटा के लिए भी चाहिए था तो उसके लिए भी लिया है। और उसको समझा के थक रही हूँ कि उसको बेटा नीचे नहीं रखते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज, बट अभी बच्चा है, धीरे धीरे सीखेगा। खैर, ज़्यादा ना पकाते हुए चलिए चलते हैं किचन में, ठीक है। हाँ जी, तो हमने सबसे पहले कद्दू को कद्दूकस कर लिया है। जी हाँ, कद्दू के कोफ्ते में जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स है वो तो कद्दू ही होगा। तो हमने सबसे पहले कद्दू को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद हम एक भगोना में बोलती हूँ, आप लोग जो भी बोलिए, मतलब किसी भी चीज़ में पानी बैठा दीजिए, जब वो गर्म हो जाएगा देन हम उसमें अपना जो कद्दूकस करके डाला हुआ है उसको डाल देंगे। और अगर आपने कद्दू को सिर्फ मेरी तरह ग्रेट किया है तो इसे उबलते हुए पानी में डाल के सिर्फ दो से तीन मिनट तक ही इसे उबालना है। उसके बाद इसे छान के अच्छे से ठंडे पानी से धो लीजिए। उसके बाद एक सूती कपड़े में डाल के इसका सारा पानी निचोड़ लीजिए, क्योंकि पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत गीला ही हुआ होता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने सारे मसाले। तो मसाले में जो बाइंडिंग के लिए सबसे पहले जाता है वो है बेसन। तो मैंने बेसन लिया है, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने आरा रोट भी डाला है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट बने। और उसके बाद इसको अच्छे से हम मिलाएंगे और इसका नमक भी डालना है। मैं तो आपको बताना ही भूल गई, नमक भी डालेंगे, ऑफकोर्स बिना नमक के थोड़ी बनेगा। और उसके बाद हम इसका कोफ्ता का साइज़ देंगे, आपको जो भी शेप अच्छा लगता है आप उस शेप में बनाए। नॉर्मली कोफ्ता का शेप ज़्यादातर लोग गोल ही बनाते हैं, तो मैंने भी ऐसा ही कुछ बनाया है। तो बस उसे गोल गोल बनाएंगे और उसके बाद हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इसे निकाल लेंगे। मैंने उसी कढ़ाई को लिया है, मैंने तेल कम कर दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेल था। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता और प्याज। प्याज को हम भून लेंगे थोड़ा पिंकिश ब्राउनिश कलर करके। उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और देन सारे सूखे मसाले, जैसे कि आपको पता है कि सूखे मसालों में क्या जाता है, तो उसमें डालेंगे हम लोग हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल के और उसको अच्छे से भून लेंगे जब तक वो पानी ना छोड़ दे। और उसके बाद क्या करना है, पानी डालना है, बॉईल करना है और बस उसमें अपने कोफ्ते डालने हैं। और मैंने ऊपर से कसूरी मेथी डाली है, अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो आप धनिया पत्ता डालिए, टोटली अप टू यू। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कि मैं घर पे ऐसे बनाती हूँ तो ये मेरी रेसिपी है, आप लोग किसी और तरीके से बनाते होंगे तो आपकी रेसिपी होगी। इसमें कोई भी स्पेशल नहीं होता है कि नहीं यार ये तो ऐसे नहीं बनता है वैसे बनता है। देखिए, हर घर की एक स्पेशल डिश होती है जो वो अपने तरीके से बनाते हैं। और मैंने आपको ये सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि ये मैं बनाती और काफ़ी इजी होता है। और अगर कद्दू की सब्ज़ी खा खा के आप बोर हो जा रहे हो तो आप इस तरीके से बनाओगे और खाओगे तो थोड़ा अलग टेस्ट भी आएगा, थोड़ा डिफरेंट भी रहेगा और टेस्ट की तो क्या ही बात की जाए, बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए और क्या ही बोलूँ, आप बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ चेकआउट ज़रूर कीजिएगा।
कोफ्ता बन चुका था और काफ़ी देर बाद में मिल रही हूँ। अभी मैंने लंच वगैरह भी कर लिया है, मैंने राइस और रोटी दोनों ही बनाया था और कोफ्ता वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आप जो कद्दू है उसको कट करके भी आप बॉइल्ड कर सकते हैं, बट यही है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बट अगर घिस के आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बॉइल नहीं करना होगा, ज़्यादा उबालना नहीं होगा। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट आप उबालिएगा तो भी हो जाएगा और ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ये घिसने में थोड़ा जो टाइम टेकिंग होता है पीरियड वही होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं 2 घंटे रेस्ट करूँगी, संडे है, उसके बाद शाम को बाहर निकलूँगी, कुछ चीज़ें लेनी है और कल इंडिपेंडेंस डे के साथ गणेश चतुर्थी भी है और मेरा फास्टिंग रहेगा, इसलिए उसके लिए भी कुछ पूजा की चीज़ें भी लेनी होगी। तो शाम को निकलूँगी, अभी तो बहुत तेज़ धूप है और पसीने देख के समझ आ ही रहा होगा कि कितनी तेज़ धूप है। तो इसलिए लंच करने के बाद अभी 1-2 घंटे रेस्ट ही करूँगी, क्योंकि धूप आजकल तो शाम को 7 बजे तक ही रहती है। तो शाम को निकलेंगे, अभी निकलना कुछ अच्छा नहीं है। और चारों तरफ राष्ट्रीय गाना बज रहा है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब भी ऐसा मतलब गाना सुनती हूँ अपने देश के बारे में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब क्या ही बताऊँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। खैर, मैं मिलती हूँ आपसे शाम को और बने रहिए ब्लॉग में। है एवरीवन, गुड इवनिंग, वी आर रेडी, हम लोग बाहर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और धूप काफ़ी कड़क है, अभी 5 बज रहा है। तो रेडी तो हो चुके हैं बट बाहर धूप इतनी ज़्यादा है ना कि अभी देखिए इतनी रोशनी है फेस पे, कोई लाइट नहीं है घर में, ये सिर्फ धूप की रोशनी आ रही है। तो रेडी तो हो चुके हैं बट वेट कर रहे हैं कि शायद हाफ एन आवर के बाद निकले हम लोग का, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और उसके बाद हम लोगों को जो जो चीज़ें लेनी है लेंगे, लेकिन अभी गर्मी की वजह से 1/2 घंटे हम लोग वेट करके ही निकलेंगे, बहुत ज़्यादा धूप है। देन और क्या, बस हम लोग रेडी हो चुके हैं उठ के और कुछ नहीं, तो यही अपडेट देना था कि अब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। क्यों निकलेंगे ना, देखिए तो कितना हीरो लग रहा है, लग रहा है ना, तो एक नंबर के हीरो जैसा लग रहा है। सुनो ना, एक नंबर का मेरा बेटा हीरो लगता है। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने इतनी जगह हमारा राष्ट्रीय ध्वज देखा, इतनी जगह कि मैं बयां नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखाया जाए जो थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया है। तो सबसे पहले मैं स्टेशन साइड गई थी और वहाँ पे मैंने कैप्चर किया था कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसे लहरा रहा है, मतलब जिसके पास जितनी औकात है, जितने पैसे हैं, वो उसी साइज़ का तिरंगा लिया है, बट लिया ज़रूर है। और चलिए ठीक है, घर पे तो तिरंगा लगा है, लेकिन ये देखिए सबसे पहले हमारे पटना स्टेशन का जो झंडा है वो देखिए, ये काफ़ी बड़ा साइज़ में भी नया लगा दिया गया है और इसकी वजह से यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने बोला कि नहीं, मुझे इसको कैप्चर करना ही है। और मैं रिवर्स आके इसको मैंने पहले कैप्चर किया और आप देखिए कि कितना शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। और उसके बाद मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें, मुझे इस टाइप के लोगों से ख़रीदना ज़्यादा पसंद आता है जिनके पास भीड़ नहीं होती है और वो अपना पेट पालने के लिए दुकान लगाए रहते हैं, तो इसलिए मैंने देखा कि बहुत सारे दुकान पे ऐसा लगा हुआ था, बहुत सारी भीड़ भी थी बट इनके पास कोई नहीं था, तो मैंने बोला कि नहीं मैं यहाँ से ही लूँगी। उसके बाद मैंने कुछ बेटे के लिए कपड़े लिए क्योंकि उसके पास नया कपड़ा अभी ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने लिया। और मुझे सबसे अच्छा तिरंगा लगाने वाला जानते हैं क्या लगा, देखिए जिसके पास इतने पैसे हैं उन्होंने तो घर पर लगाया ही है, बट ऑटो वाले, रिक्शा वाले, यहाँ तक कि साइकिल जो चला रहा है उन लोगों ने भी मतलब एक तिरंगा ज़रूर लगाया है अपने साइकिल पे, रिक्शा पे, और ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। खैर ये तो हुई बातें। उसके बाद हमें कुछ सब्ज़ी और फ्रूट्स लेने थे, जैसे कल गणेश चतुर्थी है इसलिए, तो हम लोग सब्जी मंडी आ गए थे और वहाँ से हमने फ्रूट्स और जो सब्जियाँ चाहिए थी, गेस्ट हाउस में कुछ बुकिंग वगैरह भी था तो उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें हमने शॉपिंग की और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए। और करते भी क्या, जब सारी चीज़ें हो गई थी तो हम लोग वहाँ से निकल लिए, बस यही रहा आज का पूरा दिन। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले और गेस्ट हाउस आए जो सामान लिया था वो देने के लिए। और उसके बाद मैं एक बर्तन के दुकान पे क्या, एक ठेला वाले के पास गई जहाँ से मुझे एक थाली लेनी थी पूजा के लिए, तो मैंने वहाँ से एक थाली ली और बस उसके बाद मैं घर वापस आ गई हूँ। वापस आ गई हूँ बहुत सारा काम निपटाने के बाद और अभी डिनर नहीं हुआ है, हम लोग डिनर करेंगे अभी। और मैंने चेंज वेंज कर लिया है, फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और इसे तब से बोल रही हूँ कि कपड़ा चेंज कर लो, फ्रेशन अप हो जाओ, अभी तक कपड़ा नहीं चेंज किया है। हाँ, हम लोग घर आ गए, खिलौना खा गया।
तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस ब्लॉग चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं जाता है तो प्लीज़ ना तो कर ही सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।